राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। बिल्कुल हम लोग बदलाव चाहते हैं। 5 साल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, केवल बीजेपी के लोगों ने नहीं बदलाव चाहते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर को बहुत दिया, पूरे प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया। हमारी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है और हम कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। योगी जी पुनः आएंगे। बड़ी सर आपका नाम? गंगा पांडे। गंगा पांडे सर, बड़ा तगड़ा नाम है आपका। तगड़ा नाम है, बड़ा तगड़ा काम भी है। हाँ, लाइब्रेरी वगैरह बेहतर हो और जो नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ बदलाव जी। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष इंडियन। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से कल नामांकन दाखिल कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नामांकन के बाद क्या योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में और गोरखपुर की गलियों में दिखेंगे, वोट मांगने कैंपेनिंग करने जाएंगे या फिर उनके समर्थक करेंगे, ये तो समय की बात है। फिलहाल आज हम बात करेंगे गोरखपुर में अधिवक्ता क्या चाहते हैं। ये गोरखपुर कचहरी परिसर है, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये गोरखपुर कचहरी परिसर है। आप देखिए, आज हम यहाँ पर अधिवक्ताओं की राय जानेंगे कि अधिवक्ता क्या चाहते हैं यहाँ के। आखिर क्या वो कोई बदलाव चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि जो यहाँ मौजूदा जो सीएम है वो सीएम बने रहे या फिर चाहते हैं कोई बदलाव हो। हमारे सामने एक अधिवक्ता भी खड़े। सर आपका नाम? अहमद हुसैन, एडवोकेट। अहमद जी, क्या आप कोई बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और इस बार क्या देखकर वोट करेंगे? बिल्कुल हम लोग बदलाव चाहते हैं। 5 साल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, केवल बीजेपी के लोगों ने बरगलाया है, प्रदेश को गलत दिशा में ले गया है, केवल जातिवाद किया गया है। अच्छा, इस बार आप जो है सिर्फ जातिवाद को देखकर वोट कर रहे हैं या फिर विकास को भी देखकर वोट कर रहे हैं? जातिवाद को देख करके नहीं, हम लोग विकास चाहते हैं और विकास के नाम पर देंगे। हाँ, और हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। बिल्कुल, हम लोग अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथों से बढ़िया विकास हुआ है और सारे सभी लोग खुश रहे हैं। तो विकास के नाम पर वोट देंगे और इनका कहना है कि ये जो है इस बार विकास और जो डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उसको भी देख रहे हैं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सब इनका कहना ये भी। चलिए और कुछ लोगों से भी बात करते हैं, कुछ अधिवक्ता हैं उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और क्या वो बदलाव चाहते हैं या फिर वो मौजूदा सरकार से खुश हैं। आइए इनसे बात करें। सर आपका नाम? शंभु नारायण। शंभु नारायण जी, इस बार क्या आप कुछ बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश शासन में, या फिर आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने क्या किया? अधिवक्ताओं के लिए तो देखिए, बिल्डिंग बन रही है, हम ही लोगों के लिए बन रही है, ये जो योगी जी का ही देन है। अच्छा, ऑफ कैमरा मैंने कई लोगों से बात किया था तो उनका कहना था कि जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल वो चाहते हैं कि जो जो जिसके मैनिफेस्टो में होगा वो उसी को वोट करें। हाँ, ये तो है, ये तो मांग हम लोग रखे ही हैं और योगी जी ने कहा भी है इसकी अगली सरकार में हम इसको पारित, आप लोगों की मांगें पूरी की जाएगी। अच्छा, जब अगली सरकार आएगी तो उसमें पूरी की जाएगा। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करें। सर आपका नाम? नरसिंह नारायण। नारायण जी, इस बार क्या लग रहा है आपको, कोई बदलाव चाहते हैं आप? नहीं बदलाव चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर को बहुत दिया, पूरे प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया और जो विकास की लहर जो हम लोग देख रहे हैं गोरखपुर में, एम्स आ गया, आपका विश्वविद्यालय बन रहा है और उच्चीकरण मेडिकल कॉलेज का किया गया। एक जमाना था मेडिकल कॉलेज बंद होने की स्थिति में आ गया था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि बहुत कुछ योगी जी गोरखपुर को दिए हैं। गोरखपुर को बहुत कुछ दिया है योगी जी ने। अच्छा, अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने क्या किया? अधिवक्ताओं के लिए ये चैम्बर्स बन रहे हैं प्रत्येक कचहरी में, जैसे दीवानी कचहरी हुआ, कलेक्ट्रेट हुआ, कलेक्ट्रेट आप देखिए सामने बिल्डिंगें बन रही हैं, ये सब उन्हीं के अनुदान से बन रहा है। अच्छा सर, आपका नाम? गोपाल पांडे। पांडे जी, अच्छा ये बताइए, इस बार पंडितों के वोट के लिए बड़ी लड़ाई हो रही है, आपको क्या लगता है इस बार अधिवक्ता जो पंडित हैं वो किधर जाएंगे, क्या आप लोग चेंज चाहते हैं कुछ? ये अधिवक्ता जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग है और ऐसा नहीं है कि जितने पंडित हैं सब जो है
नाराज हैं, बहुत लोग जो है कार्य से खुश हैं सरकार के, या कुछ लोग ना खुश भी हैं, सबको एक समान नहीं तोला जा सकता है। वैसे गवर्नमेंट जो है कार्य कर रही है, ठीक कर रही है, वक्ताओं के लिए भी जो उन्होंने फंड में भी जो है अपना बढ़ोतरी किया है। अब मुख्यमंत्री जी से हम तो यही कहेंगे कि जो है अधिवक्ताओं के लिए जो है एक अधिवक्ता कॉलोनी जो है का निर्माण करें, जिसमें जो है कुछ मध्यम वर्गीय जो अधिवक्ता हैं जो उनको आर्थिक सहयोग मिलेगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि अगर आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो हम लोग की तरफ से यह है कि जो है अधिवक्ताओं के जो है आवास के लिए जो है एक है कम मतलब एक सही रेट में जो है उनको कम से कम में जो है ज़मीन उपलब्ध कराया जाए, ताकि या मकान उपलब्ध करावे, ताकि जो है अपना वो जीवन सही से कार्य कर पावे। तो काफ़ी डिमांड है कि अगर देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और अधिवक्ताओं की अपनी कुछ चीज़ें हैं, अपनी कुछ डिमांड है जो वो लोगों से वो चाहते हैं मुख्यमंत्री उसको पूरा करें। ऐसा नहीं है कि वो लोग खुश नहीं है, खुश हैं, कई लोग खुश हैं, उनके काम से खुश हैं, लेकिन और भी चाहते हैं कि वो कुछ काम करें। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय के बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं। सर आपका नाम? प्रवीण सिंह। प्रवीण जी ये बताइए कि इस बार क्या देखकर वोट किया जाएगा और आपकी क्या कोई नाराजगी है सरकार से, या फिर आप खुश हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? हमारी सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है और हम कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। योगी जी पुनः आएंगे, बड़ी बम्पर रोड से आएंगे और विकास तो हमेशा मुद्दा रहा है और अब की बार तो विकास भरपूर विकास हुआ है। हम अधिवक्ता हैं तो हम अपने क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ कचहरी के लिए देखेंगे हमारे लिए क्या विकास हुआ है। जो अधिवक्ता नीति पहले 1.5 लाख था उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। हमारे बैठने के लिए एक हमारी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, या 4 मंजिला बिल्डिंग बन रहा है, 9,54,00,000 रुपये इसके लिए आया हुआ है, जो कि यहाँ बन रहा है, लगभग 1-2 महीना बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमको यही चाहिए, बाकी सड़क नाली बिजली हर जगह अधिवक्ताओं की जो ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी की जा रही है। हाँ, किया जा रहा है, लगभग पूरी की जा रही है। तो कुछ लोग खुश हैं और ऐसा नहीं है कि वो लोग खुश नहीं। हम आपको दिखा दें जो बात की जा रही है, जो बिल्डिंग की बात की जा रही है, वो बिल्डिंग हम आपको दिखा दें। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो बिल्डिंग दिखा दें। ये देखिए, ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में चैम्बर बनेगा अधिवक्ताओं का और ये लोग उसी में बैठेंगे और उनकी व्यवस्था की जा रही है। आप टीम सेट में अभी तक ये लोग बैठ रहे थे, लेकिन अब एक व्यवस्था की जा रही है बैठने के लिए और ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, अधिवक्ता ही लोग हैं। सर आपका नाम? गंगा पांडे। गंगा पांडे जी, सर बड़ा तगड़ा नाम है आपका। बड़ा तगड़ा नाम है, बड़ा तगड़ा काम भी है। अच्छा अच्छा, ये बताइए इस बार क्या देखकर वोट किया जाएगा? इस बार विकास देखिए, राष्ट्र जिसके हाथ में सुरक्षित हो, तो ये देखिए तो राष्ट्र देश मोदी और योगी के हाथ में सुरक्षित है, समझे? इसलिए हमारा तो समीशन ये है, हमारा तो सबसे निवेदन है कि सब लोग सब जातिवाद छोड़ के भाजपा को वोट करें। हाँ, और भाजपा को हाथों में करा, हाथ मजबूत करिए, देश को मजबूत करिए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि जो काम किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो शिलान्यास किए जा रहे हैं, ये सब तो अखिलेश यादव के समय की चीजें हैं। अगर अधिवक्ता ही कह रहे हैं आपके यहाँ के, नहीं सही है, अगर अखिलेश यादव शुरू किए तो शुरू करके कहाँ चले गए? पूरा तो हम कर रहे हैं, खर्च तो हम कर रहे हैं, बना तो हम रहे हैं। अगर आपको इतना ही जश लेना था तो क्यों नहीं काम कर लिए? हाँ, ये बात सही है कि क्यों नहीं काम कर लिए। और भी लोग हैं, दंगा क्या बताया था आपने? गंगा पांडे। दंगा पांडे जी से भी हम बात कर रहे थे। सर आपका नाम? विशाल पांडे। विशाल पांडे जी, दंगा पांडे जी के लड़के हैं क्या आप? अच्छा, भाई है, भाई है। अच्छा विशाल पांडे जी, ये बताइए, पंडितों के वोट के लिए बड़ी लड़ाई हो रही है, आप लोग देख भी रहे होंगे, पंडित वोटों के लिए तमाम तरह की पार्टी ने अपने कई कार्यक्रम भी किए, क्या लगता है पंडित क्या नाखुश है? नहीं भैया, ऐसा पंडित नाखुश नहीं है, सभी पंडित नाराज नहीं है, सभी भाजपा को वोट करेंगे। और ये जो बरगलाया जा रहा है, इसके भ्रम में कोई पंडित आने वाला नहीं। पांडे को लेकर ये सब? अरे कुछ नहीं, सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। मतलब जो जो पंडित समाज के लोग हैं वो खुश हैं फिलहाल। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ बताइए सर, बताइए। पंडित समाज भर नहीं वोट देंगे और पंडित समाज से एक पार्टी चलेगी। सब लोग भाजपा के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। हाँ
सबका साथ, सबका विश्वास। लेकिन काफी बेरोजगारी और महंगाई भी बढ़ गई है पांडे जी, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम। आइए भाई साहब, कुछ बोलना चाहते हैं। प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, रिटायर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अच्छा। हम पूरा परिवार राष्ट्र के साथ है, पूरा गांव राष्ट्र के साथ है, बस अब ऐसे आप समझ लीजिए राष्ट्र के साथ है, जो राष्ट्र के साथ है उसके साथ हम है। अच्छा, एक चीज है, क्या राष्ट्रवाद पर चुनाव होगा? भाई साहब हैं, उनसे बात कर लेते। भाई साहब, आपका नाम? शिव शंकर गुप्ता। गुप्ता जी, बताइए, क्या राष्ट्र के नाम पर दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा राष्ट्र के नाम पर जी, राष्ट्र से ही पूरी हम चल रहे हैं, आप चल रहे हैं और जितने नेतागण हैं वो चल रहे हैं, देश चल रही है, इसलिए राष्ट्र के नाम पे ही वोट दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि कहा जा रहा है जो पिछड़े वर्ग हैं, जो ओबीसी हैं, उन लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ ने या इनकी सरकार कुछ नहीं कर रही, आपको लगता है? नहीं, वक्ताओं के लिए आप देख लें, आज जितनी भी जो गरीबों को जो आवास दिया गया है, उन आवासों में सबसे ज्यादा इनकी पार्टी, जो मोहम्मदन वर्ग के लोग हैं, आज देखा जाए कम से कम 50% उनको मकान मिला है, और जितना आवास बना है उन उसमें आवास का जो रिकॉर्ड देख लिया जाए जाके नगर निगम में, जो आवास बनाने का पैसा मिल जाए, सबसे ज़्यादा उनके लोगों को मिला है, जो अवैसी कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए किया है इन्होंने, योगी जी ने खूब किया है, मकान से लेकर के और बनाने के लिए, और जो गरीबों का आवास निर्माण के लिए निर्माण हुआ है उसमें दिया गया है, और अभी जो है तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो उनके लिए किया जा रहा है, मतलब सब कुछ दिया जा रहा है। ये लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भाई साहब का कहना है। और भी कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं और उनके लिए क्या योगी आदित्यनाथ ने काम किया। फिलहाल ये चैम्बर बनाए जा रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे समझेंगे। देखिए, अभी एक अधिवक्ता ने, गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो आवास है, वो आवास जो है, वो जो दिए गए हैं आवास, वो अधिकतर आवास जो है उनको दिए गए हैं जो निम्न तबके के लोग हैं, मुस्लिम तबके के लोग हैं, उनको भी आवास दिए गए हैं, ऐसा नहीं है किसी के पार्शलिटी की गई हो। आइए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं, हम जल्दी जल्दी सबका कमेंट ले लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सर, आपका नाम? प्रेमचंद पांडे। पांडे जी, ये बताइए, इस बार क्या देखकर वोट किया जाएगा? आप लोग क्या मौजूदा सरकार से खुश हैं या फिर जातिवाद पर ही वोट होगा? देखिए, जातिवाद पे तो करना ही नहीं चाहिए, किसी को हो, कोई भी पार्टी हो, जातिवाद पे नहीं करना चाहिए, न धर्मवाद पे करना चाहिए। जो विकास है, विकास पे वोट होना चाहिए। क्यों लग रहा है विकास? अब इसकी परिभाषा बड़ी कठिन है, विकास के जड़ में बेरोजगारी को दूर करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होती है, तो हमें नहीं लगता है कि बेरोजगारी में कोई जो है वो कमी आई है, कोई काम किया गया। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप इस बार देख रहे हैं कुछ बदलाव होगा, ये आप चाहते हैं? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत परिवर्तन है, परिवर्तन होना चाहिए, किसी भी चीज में हो परिवर्तन जो है समाज की आवश्यकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए बेरोजगारी है, महंगाई इतना ज़बरदस्त है, जो तेल 70-80 रुपए किलो बिकता था वो 200 से 250 रुपया किलो तक पहुंच गया, तो एक जो आम आदमी है, जो जिसकी कमाई बिल्कुल सीमित है, उसके लिए जीवन तो कठिन हो गया ना, मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, इन सब का भी असर देखने को मिलेगा। भाई साहब, आपका नाम? हम तो बोले हैं, एक बार फिर सर। अब्दुल हमीद नाम है। हमीद जी, ये बताइए, इस बार क्या देखकर वोटिंग की? इस बार तो बहुत समस्याएं हैं, किसान, नौजवान, सारे लोग तो परेशान हैं, ये चीज़ है। मतलब इस बार किसान, नौजवान, स्वास्थ्य, ये सब देखकर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बदलाव चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं बदलाव हो, बदलाव ये चाहते हैं। सर, आपका नाम? मैं सरेंद्र कुमार द्विवेदी, रोहतमपुर से। अच्छा, देखिए, हमें चाहते हैं कि विकास तो गोरखपुर में हुआ है, फिर दोबारा हम लोग योगी सरकार को ही चाहते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई है, जैसे लोग कहते हैं सरसों का तेल है, एक चिपता, ये दो दिन से अभी बरसात हुआ है, जो लोग खेत किसान अगर होंगे तो उन किसान से पूछिए कि सरसों का खेत नुकसान हो गया होगा, सरसों नहीं होगा, और कल के डेट में लोग कहेंगे कि सरसों का जो है बड़ा महंगा है, तो सरसों का तेल का कोई फैक्ट्री तो होगी नहीं, जो किसान उत्पाद कर रहा है, नहीं उत्पाद होगा तो क्या करेगा, महंगा नहीं होगा। मेन मेरा मुद्दा ये है, अच्छा, सरकार को कुछ करना चाहिए ना, अगर ऐसे रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी तो लोग तो नाराज होंगे ही, अगर सरकार इन सब चीजों को लेकर अगर कुछ पहले से कुछ व्यवस्था करती है कि नहीं, किस कौन ऐसा चीज है जो जिसको बहुत महंगा मानते हैं, बताइए। डीजल पेट्रोल की बात करते हैं,
कोई दारू का के लिए लोग कहते हैं कि महंगा है, आज बताइए। दारू पीने वाले रोज 100 रुपया का पीते हैं, कौन ऐसा चीज़ है? तनख्वाह लोगों के लिए 1 लाख रुपये से ऊपर है, जो चपरासी वो भी 40-50 हज़ार रुपये पा रहा है, पैदल चलने वाला कोई है नहीं, गाड़ी से लोग जाते हैं, फोर व्हीलर से सब्जी लेने के लिए जाते हैं। अब बताइए क्या महंगा है, बताइए आप। तो मतलब इस बार महंगाई मुद्दा नहीं होगा, मर रहा है नहीं, इस बार महंगाई मुद्दा नहीं होगा आप कहना यही चाहेंगे, तो कोई बात नहीं, तो नहीं। हाँ, महंगाई मुद्दा इस बार नहीं है, भाई साहब का कहना है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है और सरकार जो है काम कर रही है लगातार और अपने स्तर से काम कर रही है। और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं एक बार। भाई साहब आपका नाम? बंसीधर वर्मा। बंसीधर वर्मा जी, ये बताइए इस बार क्या देखकर वोट? अरे अभी तो बात करते हैं, अब जो भी जनता के कल्याण के लिए कार्य करे उसी को देख करके किया जाएगा। और क्या चाहते हैं आप अधिवक्ताओं के लिए? क्या चाहते हैं अधिवक्ताओं के लिए? पहला अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल यह लागू जो सरकार करेगी उसको हम मतदान करना चाहेंगे और अधिवक्ताओं के ऊपर ध्यान दें। जैसे नए अधिवक्ता आते हैं जो कई साल तक संघर्ष करते हैं, कोई उनकी आर्थिक आय नहीं हो पाती है, तो उनको पेंशन के रूप में कुछ दें ताकि 2-3 साल सर्वाइव करें नए अधिवक्ताओं के लिए। अब वरिष्ठ जो हो गए हैं वरिष्ठतम, उनके लिए जो अधिवक्ता कल्याण निधि है उसकी व्यवस्था करें। मतलब अधिवक्ताओं के बारे में सोचे सरकार, तब तो आप सरकार के बारे में सोचेंगे, सही बात। अच्छा सर, आप सतीश चंद। सतीश जी, ये बताइए इस बार आप क्या देख कर? मैं वो अधिवक्ता के वजह से अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल और थोड़ा सा हाईटेक होना चाहिए कचहरी जो है, जैसे दिल्ली वगैरह में है आप देखते होंगे, तो कचहरी दिल्ली वगैरह में कचहरी थोड़ा सा हाईटेक होनी चाहिए, जैसे हाँ हम लोग ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं एक तरह से। आप चाहते हैं थोड़ा आधुनिक लाइब्रेरी वगैरह? हाँ, जैसे लाइब्रेरी वगैरह बेहतर हो और जो नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ आप बदलाव चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, बदलाव चाहते हैं? चाहते हैं बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हमारी अभी बीजेपी की तरफ से कहा गया नहीं, हम करेंगे आपके लिए करेंगे, अब की बार आती है सरकार तो हम करेंगे, तो क्या? अच्छा, तो पिछले 5 सालों में आपने क्या कर दिया अधिवक्ताओं के लिए, ये भी तो सवाल उठता है। तो जब पिछले 5 साल में नहीं किया तो आगे का भविष्य कौन देखा है? आपको एक बार हमने देख लिया, अब अगली बार नए लोगों को चेहरा